नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मोमल बॉम्ब से फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिवाली के टाइम पे जो है यहां पे नर्सरी में कुछ नए प्लांट्स आए हैं, तो दिवाली पे क्या है, घर को डेकोरेट करने के लिए आप भी जो है नर्सरी से कुछ प्लांट्स ले सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तो मैं भी आज नर्सरी में सिर्फ कुछ प्लांट्स के लिए आया हूँ। मैं कुछ प्लांट्स लूँगा यहाँ पे, इस बार जो है कुछ सकुलेंट भी आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ प्लांट्स लेके आए जाए। तो कुछ प्लांट्स मैं भी लेके जाऊँगा, आपको बताऊँगा कौन से लिए हैं। तो एक एक करके हम जो है प्लांट्स देखते हैं, कौन कौन से जो नए प्लांट्स इनके पास जो आए हैं, जो पहले हमने नहीं देखे थे वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है गमले जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये सारे गमले सीमेंटेड है, उस साइड जो है एक बंदा कलर कर रहा है और एक बंदा जो है इसको बना रहा है। चलिए, ये एक सकुलेंट प्लांट है जो हमारे पास है, इसको आई थिंक पिलो प्लांट भी बोलते हैं। तो ये तो मेरे पास पहले ही ढेर सारे हैं, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, तो ये जो है विंटर के जो फ्लोर होते हैं पिटूनिया वो है, और आगे जो है डेंथस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेंथस लगे हुए हैं, और ये ड्वार्फ कामनी जो है ये पहले की इनके पास, और ये सकुलेंट है। वहाँ पे देखिए सकुलेंट हैंगिंग पोर्ट में कितने मस्त हैं। उसके बाद देखिए, एक बेड यहाँ पे है, इस बेड के अंदर जो है कौन कौन से प्लांट्स है। देखिए, इसके अंदर जो वर्बिन है वो भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। यहाँ पे देखिए वर्बिन है, स्वीट विलियम है, और इसके अंदर जो है कोलियस है, बीच में कोलियस भी है, और आगे जो है सकुलेंट है। तो इस बेड के अंदर सारे मोस्टली विंटर के फ्लोर हैं, और आगे एक सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट में एक जो जेली बीन है वो है शायद, ये इस जेली बीन के छोटे और बड़ी दोनों वैरायटी है। ये जो रबर प्लांट है ये पहले ही थे इनके पास, तो ये नए नहीं आए हैं। मैं आपको सिर्फ जो नए प्लांट है वो दिखाऊंगा। इस बेड के अंदर सारे सकुलेंट है जो कि नए अभी आए हैं, और सकुलेंट्स की देखिए काफ़ी वैरायटी है इनके पास, और इनका जो प्राइस है वो मैं अभी इनसे पूछ के फिर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा क्या क्या प्राइस है। प्राइस शायद इनका ज़्यादा नहीं होगा जो पॉलीबैग में है उनका। तो काफ़ी तरह की वैरायटी है अभी यहाँ पे। एक चीज़ और है यहाँ पे, इंग्लिश ईवी जो है वो जल्दी से मिलता नहीं है प्लांट, तो वो भी इनके पास, और ये ज़्यादा प्लांट नहीं इनके पास, एक दो प्लांट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बिकने से पहले एक प्लांट तो मैं भी ले ही लूँ इनसे, तो एक प्लांट तो मैं इंग्लिश ईवी का ज़रूर लेके जाऊँगा, तो ये प्लांट जल्दी से मिलते नहीं है। यहाँ पे सिलोसिया है, और उसके बाद कोलियस है, कोलियस की दो तीन वैरायटी है इनके पास। मोस्टली जो कलर है वो जो ये वाला कलर है वही है, और एक दो कलर पीछे जो है रेड कलर का वो अलग है। तो यहाँ पे कोलियस और सिलोसिया ये दोनों मिक्स है इस बेड के अंदर। यहाँ पे जो रखे हैं वो सारे मोस्टली जेड प्लांट हैं। जेड प्लांट तो हमारे पास पहले ही काफ़ी है, उसके साथ ही बीच बीच में देखिए इस तरह से जो सकुलेंट प्लांट है वो भी इनके पास। ये देखिए सिलोसिया की एक दूसरी वैरायटी, इसको मखमली बोलते हैं, और इसको आई थिंक एक चीज़ और बोलते हैं, इसको मुर्गी की जो कलंगी होती है वैसी है ये इसके फूल जो है, तो इसी के आधार पर इसका नाम है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, कोक्स कॉम्ब बोलते हैं इसको। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है, और दो कलर में है ये, एक तो ये थोड़ा सा रेड कलर है, ये थोड़ा सा जो है आई थिंक गुलाबी है, डार्क गुलाबी कलर है। तो इसके भी कुछ प्लांट यहाँ पे रखे हैं, और कुछ प्लांट इसके यहाँ पे रखे हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है गुलदावरी है, और इन सब पे जो है बर्ड्स आ चुके हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पास जो गुलदावरियाँ होती है उनके पास, उनमें अभी जो बर्ड्स हैं वो नहीं आए हैं। इसका रीज़न है जो क्लाइमेट है उसका, क्योंकि ये यहाँ के नहीं है, ये यूपी साइड के हैं, जहाँ पे थोड़ा सा जैसे कलकत्ता है उसमें और हमारे यहाँ के जो मौसम है उसमें डिफ्रेंस होता है, इस वजह से। बाकी दोस्तों, यहाँ पे जो है ये गुलाब है जो लास्ट टाइम लेके आए थे वही है, अब दोबारा से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है, दोबारा से जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट कर देंगे, अभी जो सीजन है फ्लावरिंग का आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो जो विन का है वो है, ये हाइब्रिड विन का है, अलग अलग कलर के। ये डेलिया के हैं, इनमें भी अभी जो बर्ड्स हैं वो आ रहे हैं, हाइब्रिड डेलिया है, छोटे प्लांट पे जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। साथ में अगर आगे हम देखें तो ये जो है ये बालसम के हैं, रंग बिरंगे फूल, इनमें वाइट कलर है, रेड है, पिंक है। यहाँ पे एक बेड और इन्होंने लगा रहा है जिसमें यहाँ पे जो है पिटूनिया है, और आगे जो बेल आपको दिख रही है ये सारी अपरजिता की बेल है। ये जो गुलाब है ये भी पुराने वाले हैं, इनके जो रेनी सीजन में आए थे वो है। यहाँ पे तुलसी है, श्याम तुलसी वो है, और जो राम तुलसी है दोनों है। यहाँ पे पिटूनिया है, पिटूनिया के बाद ये देखिए जो गजनिया है वो है, अभी क्या गजनिया की स्टार्टिंग हुई है, और ये पिटूनिया है। गजनिया में भी काफ़ी कलर है,
गर्जनिया और पिटूनिया जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, यानी कि मार्च अप्रैल तक भी जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। और ये जो है कलर ये साल्विया के हैं, साल्विया का मोस्टली जो है रेड कलर ही देखने को मिलता है। हमारे पास जो सीड थे वो भी साल्विया के रेड कलर के थे, इनमें जो गर्जनिया है उनमें काफ़ी कलर हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो मैरीगोल्ड है रेड कलर का, आई थिंक ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, इसका जो कलर है काफ़ी खूबसूरत है देखिए। और हमारे यहाँ पे जो जाफरी मिलता है ये उससे अलग है, जाफरी का कलर जो है वो थोड़ा डार्क रहता है और इसका कलर थोड़ा लाइट है आगे तक देखिए। और दोस्तों ये देखिए जो मखमली के जो ये प्लांट थोड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, फ्लोरिंग देखिए कितनी अच्छी है। इसमें जो येलो कलर है उस साइड वो काफ़ी खूबसूरत है, अलग है, डिफरेंस है कलर बाकियों से। और एक ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो भी अलग है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये। और दोस्तों तो अभी जो है इनके पास यही प्लांट्स जो है वो नए लगे हैं मुझे, और अभी मैं इनके पास से कौन कौन से प्लांट शॉपिंग करूंगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज का वीडियो इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।